गुड मॉर्निंग। आज हम लेक्चर सीरीज में नई जानकारी लेंगे कि किस तरीके से किसी भी सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट किया जाता है। और पीएच बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के माध्यम से, इलेक्ट्रोड के माध्यम से, नस्ट इक्वेशन के माध्यम से कैसे कैलकुलेट किया जाता है पीएच, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और हम जानते हैं पीएच बेसिकली हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जब हमने इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन समझी थी तो हमने चार तरीके के इलेक्ट्रोड समझे थे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड एंड कैलोमर इलेक्ट्रोड। तो उन सब की हेल्प से हम एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन, जो अननोन कंसेंट्रेशन है, उसको निकालेंगे और उसके माध्यम से हम पीएच को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम पीएच को कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम इस तरीके से दो अलग अलग लेफ्ट और राइट सेल में एडजस्ट करते हुए पुट करते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम बनाते हैं और जानते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए H2 गैस पास की जाती है और वो H2 गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की होती है। इसमें हम एक प्लैटिनम की वायर फिल करते हैं और इस सॉल्यूशन में हम 1 mm कंसेंट्रेशन का एच पॉजिटिव सॉल्यूशन रखते हैं, जिसको हम HCl भी कह सकते हैं। और इसके राइट हैंड साइड पे हम दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखते हैं और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में वही कंडीशन, हाइड्रोजन गैस इसमें हम पास कर रहे हैं। लेकिन इस सॉल्यूशन में जिसमें हमने राइट हैंड साइड पे क्लास एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखा है, वह सॉल्यूशन अननोन सॉल्यूशन रहता है। इस सॉल्यूशन को जो हम टेस्ट कर रहे हैं पीएच निकालने के लिए, ये सॉल्यूशन हमने टेस्टिंग सॉल्यूशन रखा है जिसको हमने मेजर आउट करना है। इसकी कंसेंट्रेशन, इसके पीएच को, इसके पीएच के मान को हमें निकालना है। अगर हम इस तरीके से इसको रखें तो इसके अंदर पीएच की वैल्यू निकालने के लिए अननोन सॉल्यूशन हमारे सामने है और इसको हम जोड़ देते हैं वोल्टामीटर से और इसको कंप्लीट सर्किट बनाने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज के साथ अटैच कर देते हैं। ये हमारी युक्ति, एक सिस्टम जिसमें कि लेफ्ट हैंड साइड पे 1 mm HCl का हमने कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन लिया है और राइट साइड पे जिसका पीएच निकालना है हमें, उसको हमने रखा है। जब इस तरीके की सिस्टम हमारे सामने होते हैं, हम इसका पीएच निकाल सकते हैं। हम इसको एक बार फिर से बोलते हैं, ये हमारे पास प्लैटिनम का वायर है और इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास प्लैटिनम का वायर है। और जब इस तरीके का सिस्टम हमारे पास है, इसका रिप्रेजेंटेशन अगर हम जान करें तो हमारे सामने ही प्लैटिनम वायर था, हमने हाइड्रोजन गैस इसमें पास की थी और साथ साथ में हमने हाइड्रोजन आयन की बात की और इसके हाइड्रोजन आयन में कंसेंट्रेशन हमारे पास 1 mm है, डबल स्लेस यानी इसके सॉल्ट ब्रिज को प्रेजेंट करता है। और H पॉजिटिव जो कि हमारे पास अननोन है, इसकी कंसेंट्रेशन हमें ज्ञात नहीं है और इसमें हम हाइड्रोजन गैस जो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की है इसमें पास कर रहे हैं और इसमें जो इलेक्ट्रो वायर है वो है प्लैटिनम का। कुल मिला के ये रिप्रेजेंटेशन इस सेल का हुआ। और राइट हैंड साइड में के सेल में अगर हम सिंपली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नस्ट इक्वेशन अगर अप्लाई करें तो हमें क्या मिलती है, ये हमें देख लेते हैं। और इसकी हम केमिकल रिएक्शन देखना चाहें, हम केमिकल रिएक्शन सबसे पहले देखते हैं। हाफ सेल रिएक्शन फॉर द राइट हैंड साइड सेल, एच पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन हाफ H2, क्योंकि राइट हैंड साइड पर हम जानते हैं हमेशा रिडक्शन होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन का मतलब है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। द एच पॉजिटिव जो कि इस सॉल्यूशन में है तो H पॉजिटिव, लेकिन कितना है इसकी जानकारी हमें निकालनी है। तो H पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी
इसके लिए ईएमएफ हम निकाल सकते हैं, ईएमएफ ई ऑफ सेल इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड ऑफ, बेसिकली सेल ना बोल के इसको हाफ सेल बोलते हैं, तो हम सिंपली निकाल लें 0.0591 डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिंपली एक हमारे पास लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ एच टू का हाफ डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। और इसकी वैल्यू में अब हम जानते हैं हाइड्रोजन गैस की कंसेंट्रेशन में बदलाव नहीं आ रहा है, तो ये वैल्यू 1 होगी। और इसको हम लिख सकते हैं ई नोट प्लस 0.0591, और ये जो वैल्यू हमारे पास मिलेगी वो मिलेगी लॉग ऑफ एच पॉजिटिव। हम जानते हैं लॉग ऑफ एच पॉजिटिव का अगर नेगेटिव फॉर्म है वो है पीएच, तो हम इसके लिए बोलते हैं ई नॉट प्लस, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0.0591 पीएच, यानी ई की वैल्यू हमारे पास कुल मिला के ये हमें मिली। हम सिर्फ इस ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारे पास राइट हैंड साइड सेल की है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेल दोनों की वैल्यू निकालते हैं तो हमें पीएच आसानी से निकालने के लिए हेल्प मिल जाएगी। अगर हम देखते हैं राइट हैंड साइड की, यानी अगर हम ओवरऑल सेल की हम बात करें, ई फॉर राइट हैंड साइड, इसको हम यहाँ सिंपली ऐसे बोलते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट, तो हम आसानी से जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए ई एम एफ हमेशा जीरो रहेगा, और जब इसकी वैल्यू जीरो रहती है तो हम इसकी राइट हैंड साइड के एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन हम आसानी पीएच के फॉर्म पे निकाल सकते हैं। अगर हम ई सेल बोलें, यानी अगर हम इसके लिए ई नॉट की वैल्यू जीरो के हम जानते हैं स्टैंडर्ड, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, जीरो होगी। ई नॉट फॉर दिस काइंड ऑफ सेल विल ऑलवेज बी जीरो, तो ई की वैल्यू हमें 0.0591 पीएच मिलेगी और ई की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.0591 पीएच। अगर हम इसकी वैल्यू देखना चाहें, अगर ये वैल्यू इसमें प्लस है तो ये माइनस में मिलेगा, ये माइनस में मिलेगी वैल्यू, और फाइनली पीएच इक्वल्स टू मिल जाएगा ई अपॉन 0.0591 ई ऑफ सेल, ई ऑफ सेल इक्वल्स टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, वैल्यू माइनस में है हमारे पास, तो हमारे आसानी से इसकी वैल्यू पीएच की वैल्यू हमें मिल गई। तो दिस इज द सिंपल वन मेथड जिसमें कि हमने दोनों तरफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अप्लाई किया है, और इस एप्लीकेशन के बाद हम इसका पीएच निकाल सकते हैं। पीएच इज इक्वल्स टू ई सेल डिवाइडेड बाय 0.0591। इसी को हम अगर कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ के बनाते हैं तो हम उसके लिए पीएच कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोड हमने बात कही, तो सबसे पहले हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारे सामने था उसकी मदद से पीएच निकाला, और उसके लिए वैल्यू हमारे सामने आई ई ऑफ सेल इक्वल टू 0.0591 पीएच, तो पीएच इक्वल टू हमें ई अपॉन वैल्यू मिली। और उसके बाद हम अगर क्यूनोन हाइड्रोन, या हम अभी दूसरी बार हम यूज करते हैं यूज कर रहे हैं हम दूसरी बार कैलोमल इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड इसको जोड़ देते हैं प्लैटिनम वायर से, और इसके सेकंड हाफ पे हम कैलोमल इलेक्ट्रोड जोड़ते हैं। हम जानते हैं सिंटर्ड ग्लास ग्लास होता है, इसके अंदर हमने एक ग्लास में मरकरी, यहाँ पे हमने मरकरी, हमारा हमारे पास कैलोमल है Hg2Cl2 और ये है मरकरी, और ये सॉल्यूशन हमारे पास Ks का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl, इस सिंटर्ड ग्लास का एंड पॉइंट है वॉल्व, एंड इसको हम जोड़ देते हैं एक वायर से। तो इस सॉल्यूशन में जो हमने जिसमें हमने इसको रखा है, ये सॉल्यूशन है अननोन सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड राइट हैंड साइड पे हमारे पास सिंपली ये कैलोमल इलेक्ट्रोड दिखता है. तो विद द हेल्प ऑफ द कैलोमल इलेक्ट्रोड वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द पीएच, सॉल्यूशन का जो पीएच है वो निकाल सकते हैं हम, यानी एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं. लेकिन ये क्या है हमारे पास अभी अननोन है, इसके बारे में जानकारी हमें है नहीं. तो पूरे इस नष्ट इक्वेशन का इसमें एप्लीकेशन करके हम आसानी से नहीं इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. और कैलकुलेशन अगर इसका हम प्रेजेंटेशन करें तो इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन है प्लैटिनम हाइड्रोजन गैस. और हाइड्रोजन गैस हम जानते हैं वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है. इसमें जो एच पॉजिटिव हमने लिया है वो एच पॉजिटिव हमारे पास है अननोन, और इसके बारे में कोई हमें जानकारी नहीं. इसी को निकालते हुए हम कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं. हमारे पास इसके साथ साथ है KCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और KCl सैचुरेटेड है हम जानते हैं, इसमें कैलोमल भी है और सिल मर्करी भी है. तो इस पूरे सेल का कॉम्बिनेशन प्रेजेंटेशन ये हमें मिलेगा प्लैटिनम H2 इन वन, वी आर सप्लाइंग हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन का जो हमारे पास प्रेशर है वो एट वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एच पॉजिटिव सॉल्यूशन का एच पॉजिटिव है अननोन. KCl सॉल्यूशन इसमें है हमारे पास जो कि सिंटर्ड पॉइंट से यहाँ से इसको हेल्प करेगा Hg2Cl2 एंड Hg. इसके इस पूरे रिप्रेजेंटेशन यानी सेल से हम पीएच कैसे निकालेंगे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की सेल की हम बात करते हैं. लेकिन हमें इसके अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था ई ऑफ सेल, यानी हम निकालेंगे अगर ई सेल की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास ई ऑफ सेल हमें मिलेगा राइट माइनस लेफ्ट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट. ई राइट हमारे पास वैल्यू रहती है ई राइट की वैल्यू हमारे पास 0.24 नियर अबाउट 0.24 वैल्यू 0.2415 माइनस ई लेफ्ट. ई लेफ्ट के लिए अभी हमने वैल्यू निकाली थी और वो एक बार फिर से अगर आप निकालना चाहें तो हमारे समय पास है ई इक्वल्स टू 0.0591 पीएच. ये हमें वैल्यू मिली थी और इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं 0.0591 पीएच और ये हो गया ई ऑफ सेल की. अगर हम इधर इसको इधर लेके आए इसको इधर लेके आए तो हम पीएच निकाल सकते हैं, यानी 0.0591 इक्वल्स टू 0.2415 माइनस ई ऑफ सेल डिवाइडेड बाय, अभी डिवाइड नहीं करते हैं इसको, ई पीएच है ये. और अगर पीएच निकालना है तो पीएच इक्वल्स टू 0.2415 माइनस ई सेल डिवाइडेड बाय 0.0591. ये दूसरा तरीका हमारे पास है, यानी अगर कैलोमल इलेक्ट्रोड लगा हुआ हो और जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी हो तो अननोन कंसेंट्रेशन जो कि इस सॉल्यूशन में है हाइड्रोजन आयन की, जिसको पीएच के टर्म्स में हम बोलते हैं, इजीली इस मेथड से कैलकुलेट किया जा सकता है. और अगर हमारे पास ये वैल्यू माइनस में है प्लस में है तो उसको हम देखते हैं राइट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट हमारे पास है तो ये वैल्यू माइनस में थी तो ये वैल्यू माइनस में होने के बाद इसको हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी. ये प्लस में आ गया तो प्लस इधर आ गया, ई ये ई सेल माइनस 0.2415 तो यहाँ पे वैल्यू ई सेल माइनस, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं इसमें, 0.2415 डिवाइडेड बाई 0.0591. तो दिस इज द मेथड जिसकी मदद से हम पीएच की वैल्यू निकाल सकते हैं. ई सेल टोटल अगर ई सेल का जो वोल्टमीटर से हमने निकाला ये वैल्यू निकाल रहे हम कितनी वैल्यू मिलती है हमें, और माइनस कर दें इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से और डिवाइड कर दें 0.0951 से हम इसका पीएच निकाल सकते हैं. इसको ध्यान रखते हुए हम एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर करेंगे. आइए हम न्यूमेरिकल करते हैं. बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन हम एक बार क्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की मदद से कैसे पीएच को डिटरमाइन करते हैं ये समझ लेते हैं. हम जानते हैं क्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्विन हाइड्रोजन का सॉल्यूशन होता है और ये इसको बनाने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड पे कैलोमल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं और कैलोमल इलेक्ट्रोड के बॉटम में सिंटर्ड
क्लास रहता है, हम इसको समझ चुके हैं, पहले समझ चुके हैं, और इसके अंदर कैलुमन और KCl का सॉल्यूशन रहता है, और यहाँ पे है इसका मरकरी Hg, Hg2Cl2, और इसमें है KCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस सेल को हम फिट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे हम इसमें फिट कर देते हैं एक सिंपल प्लैटिनम रॉड। सिंपल प्लैटिनम रॉड को हम डिप करेंगे, ये पूरा सॉल्यूशन जो है जिसमें हमने ये सब डिप किया हुआ दोनों इलेक्ट्रोड, ये है क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड का सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में क्विनहाइड्रोन है, और इस तरीके से सेल का जो प्रेजेंटेशन है वो हमें मिलेगा Hg, Hg2Cl2, KCl सैचुरेटेड सॉल्यूशन डबल स्लैश। राइट साइड पे हम क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो Q H2 Q प्लैटिनम का हमारे पास है, और ये जो सॉल्यूशन है क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड का, क्विनहाइड्रोन का, ये है अननोन सॉल्यूशन। इस अननोन सॉल्यूशन का पीएच निकालने के लिए हम इस पूरे सिस्टम का यूज करेंगे। हमारे पास ये पूरे सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्टामीटर है, इससे हम मेजर कर सकते हैं। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ प्लैटिनम है जिसको हम नाम दे रहे हैं क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड, और हम जानते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन अगर होती है क्विनहाइड्रोजन की तो क्विनोन जो है वो हाइड्रोजन आयन को गेन करता है, दो इलेक्ट्रॉन भी गेन करता है, और फाइनली क्विनहाइड्रोजन बनाता है। तो क्विनोन हाइड्रोजन आयन को गेन करने के बाद क्विनहाइड्रोन हमें बना के देता है, और इसका अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके देखें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी E = E₀ + 0.0591/2, क्योंकि हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बात कर रहे हैं 2 की, log QH2 का कंसेंट्रेशन हमें मिलेगा और उसको हम मानते हैं 1, तो कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव का स्क्वायर, इट विल बिकम E₀ + 0.0591/2। अगर हम इसको ऊपर ले लेते हैं ये माइनस हो जाएगा, log H पॉजिटिव का स्क्वायर बाय अप्लाइंग द लॉगरिथम, तो हम ये 2 बाहर ले लेंगे तो ये जाएगा 2 × 0.0591/2 log H पॉजिटिव। इस इक्वेशन में 2 से 2 डिवाइड जो था डिवाइड कैंसिल आउट हो जाएगा, E₀ - 0.0591 log H पॉजिटिव, और हम जानते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव इज pH, दैट मींस E = E₀ + 0.0591 pH। ये सिर्फ हम बात करते हैं क्विनोन की, क्विनोन जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे है उस सेल की हम बात कर रहे हैं। EQ अगर इसको बोलें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो EQ = EQ₀ standard + 0.0591 pH। हम जानते हैं EQ₀ की जो वैल्यू होती है वो है 0.6996 + 0.0591 pH, ये EQ का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये है राइट हैंड साइड का सेल का। हम जानते हैं अगर पूरे सेल का हमें EMF निकालना हो, पूरे सेल का जो हमें वैल्यू मिली है, तो E cell = हम हो गया E right - E left। E right में हमारे पास ये वैल्यू थी, left हमारे पास है मरकरी कैलोमल इलेक्ट्रोड, तो कैलोमल इलेक्ट्रोड की वैल्यू हमारे पास है E right की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, या कहीं यहाँ पे हमें EQ की वैल्यू हम बोल सकते हैं EQ - E left। EQ की वैल्यू हमारे पास है 0.6996 - E + 0.0591, और लेफ्ट के इलेक्ट्रोड की वैल्यू हमें मिलती है 0.2415। तो ई सेल के बेसिस पे हम पीएच निकाल सकते हैं, यहाँ पे है इनटू पीएच, तो इन दोनों की वैल्यू को हम पुट करेंगे, इसको फिर से कैलकुलेट करें
तो हमारे पास वैल्यू मिली 0.0591 इक्वल पीएच इक्वल टू ई ऑफ सेल माइनस, ये वैल्यू इन दोनों को जोड़ने या इधर माइनस करेंगे, ये वैल्यू माइनस में है 0.6996 माइनस 0.2415 प्लस जीरो और ई सेल माइनस डिवाइडेड बाई, बेसिकली ये अगर हम इस तरीके से लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, डिवाइड नहीं करेंगे अभी, अभी ये वैल्यू हमारे सामने आई। नाउ पीएच कैन बी कैलकुलेटेड बाय पुटिंग दी वैल्यू, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें हमारे पास आएगा 1854 डिवाइडेड बाय 0.0591। दिस इज द मेथड और ये इसके बेसिस पे कैलकुलेशन इसके हमारे सामने मिली हमें। ई ऑफ सेल अगर हम इस तरीके की सिस्टम को मेंटेन करते हैं यहाँ से निकाल सकते हैं, और ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करके देखी कि स्टैंडर्ड कंडीशन में इन दोनों की वैल्यूज क्या रहती हैं, डिवाइडेड बाय कैलकुलेशन में हमने देखा पीएच इक्वल्स टू ई सेल माइनस दिस पर्टिकुलर वैल्यू 0.04581 डिवाइडेड बाय 0.0591। तो हमारे पास दो मेथड्स थी, एक मेथड हमने इससे पहले समझी, एक मेथड ये है। तो दोनों मेथड से हम पीएच का डिटरमिनेशन कर सकते हैं। पीएच पोटेंशियल हाइड्रोजन, इसको हम पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन हम किसी भी अननोन सॉल्यूशन के लिए इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ओनली बिकॉज ऑफ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ईएमएफ ऑफ दिस सेल। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ क्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड अदर मेथड टू फाइंड आउट द पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन, अननोन सॉल्यूशन। क्वेश्चन है कि फाइंड द पीएच, हमें पीएच निकालना है, पीएच निकालना है किसी भी सॉल्यूशन का। उस सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन प्लेस्ड है हाइड्रोक्विनोन हाफ सेल, एक हमारे पास हाफ सेल है हाइड्रोक्विनोन विच वॉज कपल्ड विद स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड, जिसको हमने अटैच किया है SCE स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ। उस सेल की, कंबाइंड सेल की, दोनों को जोड़ने के बाद जो सेल हमें मिला उसकी EMF की वैल्यू, द EMF, EMF ऑफ द सेल ऑफ द कंबाइंड सेल इज 0.123 वोल्ट और तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें दिया है कैलोमल के लिए इसकी EMF की वैल्यू और स्टैंडर्ड क्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए वैल्यू। इनकी मदद से हम इस अननोन सॉल्यूशन के पीएच को निकाल सकते हैं। कैसे करते हैं हम जानते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से बोल रहा है उसको अगर हम एक बार पिक्टोरियल समझने की कोशिश करें, इससे पहले भी हमने समझा था और क्लियर हमारे सामने समझ में आ जाएगी बात है। ये हमारे सामने है स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड। जब स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड को हम अटैच कर रहे हैं, एक सिंपल हमारे पास वोल्टामीटर है और एक प्लैटिनम को हम, रॉड को हम इस सेल के अंदर रख देते हैं, और ये हमारे पास अननोन सॉल्यूशन है जिसके लिए हम केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं। अगर रिप्रेजेंट करना हो इसको, हम बोलते हैं कि ये है सिल्वर का और HG2Cl2 इसमें सॉल्यूशन है और KCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम जानते हैं इसमें रहता है और सेंटर्ड ग्लास है और डबल स्लेस से हम मानते हैं अगर इसमें कोई पॉजिटिव मेम्ब्रेन, और एच पॉजिटिव जो कि टेस्टिंग सॉल्यूशन है डिवाइडेड बाय प्लैटिनम। ये इस सेल का एक प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन है। लेफ्ट हैंड साइड पे कैलोमल इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे जो टेस्टिंग सॉल्यूशन है क्विन हाइड्रोजन का, क्विनोन और हाइड्रोजन आयन का, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है, अननोन सॉल्यूशन है। इस अननोन सॉल्यूशन का हमें निकालना है पीएच। हमें इसकी वैल्यू दी गई है कि ई ऑफ सेल, इस पूरे सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.123 वोल्ट। ये वैल्यू टोटल ओवरऑल बाय यूजिंग दीज टू इलेक्ट्रोड्स, ये वैल्यू हमारे सामने आई। अब हमें निकालना है, हम जानते हैं ई ऑफ सेल इक्वल्स टू क्या होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यानी राइट में हमारे पास क्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है माइनस लेफ्ट, लेफ्ट हमारे पास एस सी ई है स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड। हमको जो वैल्यू दी गई है कैलोमल की, वैल्यू दे रखी इलेक्ट्रोड की, वो दी है 0.2415 माइनस, हमें लेफ्ट के लिए
सॉरी राइट की दी नहीं है हमें और लेफ्ट की दे रखी है, तो लेफ्ट की वैल्यू हमारे पास है 2.2415, यानी लेफ्ट हमारे पास ई कैलोमल था, ये हमें दिया हुआ है। ई स्टैंडर्ड ऑफ क्यू दिया होगा, हमें निकालना है राइट का। अगर हम राइट का निकाल दें और ई और नॉट सर हमें ऑलरेडी पता है 0.123 वोल्ट, वोल्ट भी बाद में इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। यानी अगर हमारे पास ई आर समझ में आ जाए तो ई आर में ही हमारा पीएच का मान छुपा रहेगा, उसको निकालेंगे। राइट हमारे पास है ई राइट, इसके लिए राइट के लिए हम अभी थोड़ी देर पहले जो पढ़ा था इक्वेशन हमारे पास बनेगी क्यू क्यूनॉन प्लस ट्वाइस ऑफ एच पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्टिंग इनटू क्यू न्यूट्रॉन। तो जब इस केस में हम देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन लगा के, तो ई क्यू क्यू के लिए हाफ सेल के लिए जो वैल्यू हमें मिलेगी ई नॉट क्यू प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स लॉग 1 अपॉन एच पॉजिटिव का स्क्वायर। अगर कैलकुलेट करते हैं वैल्यू हमारे पास माने वैल्यू आ जाएगी 0.0591 2 से 2 मल्टीप्लाइड लॉग एच पॉजिटिव। हम जानते हैं ई क्यू हमें दिया हुआ है और वो है 0.6996 माइनस प्लस बोलेंगे बिकॉज माइनस लॉग एच पॉजिटिव पी एच हो जाता है, इसकी वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी पी एच। यानी ई क्यू यानी जो हम राइट बोलते हैं ई आर, ई आर की वैल्यू हमें ये मिलेगी। इस सिंपल से कैलकुलेशन को देखते हुए हम जानते हैं राइट हैंड साइड पे जो सेल है वो है क्विनहाइड्रोन हाफ सेल, उस हाफ सेल की इक्वेशन रिएक्शन बनेगी ये। क्यों? क्विनोन दो एच पॉजिटिव को लेके क्विनहाइड्रोन बनाता है बाय एक्सेप्टिंग टू इलेक्ट्रॉन्स। इसमें नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे ई क्यू इक्वल्स टू ई नॉट स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ दिस हाफ सेल प्लस ईएमएफ ऑफ द हाफ सेल प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2। अब हम देखते हैं 1 राइट डिवाइडेड बाय लेफ्ट होता है, राइट में इसकी वैल्यू हम 1 मानेंगे कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एच पॉजिटिव का स्क्वायर, तो 2 की वैल्यू बाहर आ गई और इसको अगर हम ऊपर लेके चले एच पॉजिटिव को माइनस आ गया और 2 की वैल्यू लॉग के टर्म्स में बाहर आ गई 2 से 2 मल्टीप्लाइड वी हैव द वैल्यू ई क्यू इक्वल्स टू ई नॉट क्यू माइनस 0.0591 log h पॉजिटिव। हम जानते हैं माइनस log ऑफ h पॉजिटिव को हम बोलते हैं pH, माइनस log ऑफ h पॉजिटिव इज डिनोटेड एज अ pH, द नेगेटिव साइन विल कन्वर्ट इनटू द पॉजिटिव साइन। और eq नॉट की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दी गई है 0.6996। नाउ अब हम इस जो हमने अभी बोला था कि er की हमें वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, तो er हमने यहां से निकाल लिया 0.6996 हम पुट कर लेते हैं प्लस 0.0591 pH माइनस 0.2415। सिंपल सी कैलकुलेशन हम इसमें करेंगे और इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हम pH निकाल सकते हैं। हम इस वैल्यू को इधर रखते हैं, बाकी वैल्यूज को उधर लेके आते हैं। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लें यहीं पे तो हमारी वैल्यू मिल जाएगी 0.491 pH, ये आ गया 0.123 और pH इक्वल टू हमें मिल जाएगा 0.0123 माइनस 0.4581 डिवाइडेड बाय 0.0591, ये हमें वैल्यू मिली। तो इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेशन के बाद हमें pH की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ pH बाय यूजिंग हाफ सेल्स, वेदर इट इज हाइड्रोक्विनोन और वी आर यूजिंग अनदर स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड। दिस इज द मेथड, इसके माध्यम से हम पीएच किसी भी सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं। एंड दिस इज अ सिंपल एग्जांपल और छोटा सा कंसेप्ट हमारे सामने है और वो कंसेप्ट हमें क्लियर है तो इजीली हम इसके पीएच तक पहुंच सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग और इवैल्यूएटिंग फ्यू न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।